क्या पूछना चाह रहे थे बेटा? यानी कि मैं सभी जानना चाहता हूँ अपनी लाइफ के बारे में। नहीं, विशेष प्रश्न हो तो वो भी बता दीजिए। विशेष प्रश्न यही मेरा काम कार के बारे में, जिस भी काम में हाजता हूँ कोई होता नहीं। बस बस इतना ही। काम काज तो आपका चल नहीं पा रहा है, जैसे हाँ जी, जैसे मेहनत करके बड़े मुश्किल से धनार्जन कर रहे हैं तो वो भी नहीं ठहर पा रहा है, हाँ जी वो भी निकल जा रहा है यानी भाग जा रहा है। जी और ये बड़ी विडंबना है, बहुत विषम परिस्थिति है ये। और राजयोग बनाने की बहुत कोशिश करते हो किंतु फेल ही हो जा रहे हो। हाँ जी हाँ, लेकिन राजयोग तो बनना चाहिए। राजयोग बनेगा तब ना कुछ समाज में कुछ कर पाएंगे हम, हाँ जी ऐसा भी है। तो ऐसे विषम परिस्थिति में आपको जी इतनी चिंता होती है कि कोई मिल जाता मार्गदर्शक करता तो आपके मार्ग का, भविष्य का सटीक फलादेश करके आपको शुभ गति प्रदान करता। जी आपका बुध बहुत कमजोर है जी जिस कारण से धन अर्जन के योग में वृद्धि नहीं हो पा रही। जी और आपको, आपका जीवन कालसर्प दोष रही थे बेटे। जी कालसर्प दोष, पितृ दोष और अंगार कारक दोष, ये तीनों दोष आपको भयानक जोर से परेशान कर रहे हैं। जी और ये तीनों दोष की शांति हेतु आपको जी शीघ्रता पूर्वक कालसर्प दोष की पूजन करवाएं, शांति करवाएं। जी और पितृ दोष की जी तो सर्व सुख और सौभाग्य भी प्राप्त होगा, क्योंकि शत्रु भी अधिक बन रहे हैं आपके, क्योंकि आपका जो बड़ा स्ट्रिक्ट स्वभाव है, छल कपटी स्वभाव नहीं है आपका, जी सादा और सिंपल स्वभाव है। और आपके यह स्वभाव को देख करके बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको तकलीफ होती है हाँ जी आपके निर्मल मन, निर्मल स्वभाव से। जी तो इसके अलावा यानी कि और इसके अलावा क्या? आपको बुध का उपाय करना चाहिए, बुध ग्रह का जाप करवाना चाहिए और पन्ना धारण करना है आपको बेटे। ठीक है, हाँ, तो इसके अलावा माता जी हमें यानी कि अपने कुल देवी का भी नहीं पता है, या कुलदेव का भी नहीं पता आपको तो कुलदेवी देवता भी नहीं मालूम है, दीक्षा भी आपकी नहीं हो पाई है। जी और जब तक दीक्षा नहीं होती है तो बड़ा अंधकार सा रहता है जीवन में। दीक्षा जी रहित तो जीवन होना चाहिए बेटे आपका। जी और गुरु दीक्षा लेकर के आप अपनी भक्ति प्रारंभ करें। आपके दादा दादी ने नहीं बताया आपको कुल नहीं, मैं देवी देवता के बारे में? नहीं, ऐसा है ना, हम चिराग बत्ती करते हैं पीरों किसकी करते हैं? की, हाँ, तो नाम, मुझे ऐसे नाम आपका क्या है? भगत मेरा नाम जोगिंदर, जोगिंदर भगत लिखते हैं सरने में। जी। तो पीर माने क्या होता है पता है आपको? पीर मैंने जैसे जो माया जी होते हैं लकदाता, पीर मैंने जो पीरों की लाइन चलती है मुसलमानी, हाँ, तो पीर यानी क्या होता पीर मैंने गुरु होता। है? हाँ, और वो गुरु, जीवित गुरु को मानेंगे आप तो आपको जीवन जीने का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जी और मृत आत्माओं को मानेंगे तो मृत वाले गुरु यानी पीर माने मर जाने के बाद मानते हैं। ऐसा ना, शुरू से ही हमारे माता पिता कर रहे थे चिराग, तो अभी पिता की डेथ हो चुकी है, तो हाँ, उसके बाद यानी कि मैं खुद कर रहा हूँ जो पिता भी उसी में परिवर्तित हो गए, जी उसी में विलीन हो गए हैं पिताजी भी आपके। जी और वही कष्ट प्राप्त हो रहा है आपको, जी तो उस कष्ट से मुक्ति के लिए आपको, ये दैत्य हैं तो दैत्य संप्रदाय में कष्ट देते हैं, जी मनुष्यों को दैत्य कष्ट देते हैं और देवता लोग शुभ फल देते हैं। तो जी आपको जब गुरु प्राप्ति होगी, दीक्षा प्राप्ति होगी, उसके बाद ही आपको इष्ट की प्राप्ति के साथ सर्व सुख और सौभाग्य प्राप्त होगा, जी है ना? तो जी उसके लिए आपको
गुरु दीक्षा धारण करना चाहिए, और जी गुरु दीक्षा धारण करने के बाद में अपने भाग्य में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि जी आपको ना कष्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है, जी और वह कष्ट के कारण आप जो है अपने जीवन में सटीक मार्ग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, दुर्लभ जी जीवन नहीं जी पा रहे हैं। हाँ जी। हाँ अभी तो ब्याह शादी का भी नहीं योग बन रहा, कोई शादी का योग भी नहीं कोई बन रहा बुध डिस्टर्ब है ना, दोनों का योग नहीं बनेगा, ग्रह लक्ष्मी जी यानी पत्नी और जी बाहर वाली लक्ष्मी यानी धन लक्ष्मी, ये जी दोनों लक्ष्मी के आने के योग नहीं बन पा रहे हैं। जब तक जी ये दोनों लक्ष्मी आने के योग नहीं बनेंगे तो जीवन में बड़ा संकट सा महसूस होता है कि आपके जीवन की रक्षा कौन करेगा। ये जी दोनों लक्ष्मी जो होती है, धन लक्ष्मी और बाहर वाली लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, तो ग्रह लक्ष्मी और धन लक्ष्मी दोनों के योग बने, तो इसके लिए आपको जी बुध का उपाय करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा अभी? उसके लिए बुध का उपाय तो मैंने बता दिया आपको, बुध का उपाय करें बेटे आप, तो यानी कि पन्ना नग धारण करना पड़ेगा। ठीक पन्ना भी धारण करना होगा, है, फिर और आप ये भी पन्ना आपके धारण करिए, जी कितने रति पन्ना रति नहीं कैरेट के हिसाब से, लगभग कितने? 6.5 कैरेट का पन्ना आपको धारण करना है। कालसर्प ठीक है दोष की शांति कराएं, पितृ दोष की शांति कराएं, और आपके जीवन में संपूर्ण सुख और सौभाग्य की प्राप्ति करें। जी।